वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समूचे भारत को लॉकडाउन करने के बाद बाजारों की क्या स्थिति है उसका जायजा लेने के लिए हम निकले हैं बेगूसराय के चट्टी रोड स्थित बाजारों में। और लोग जो है वो दिख रहा है कि सामान जो है वो खरीद रहे हैं, काफ़ी जोरों पर खरीदारी हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि लोग जो है एक महीने के जगह दो महीने का सामान खरीद रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ मौजूद जिनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ परेशानी हो रही है उनको, और अचानक से जो है पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर देने के बाद क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ आप खरीद रहे हैं? इस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 31 मार्च के लिए लॉकडाउन किया था, उसके बाद 3 हफ्ते कर दिए हैं कल से। इससे जनता में थोड़ी सी दहशत ये हो गई है कि कहीं पूरा अप्रैल ये लॉकडाउन ना हो जाए और खाने के लिए उन लोगों के पास सामान उतनी है नहीं, इस कारण से वो बाज़ारों में अभी भीड़ भाड़ लेकर के आ रहे हैं। इस कारण से सामानों में इजाफा भी हो गया, काला बाजारी भी शुरू हो गई है। 550 रुपया जो आटा था अभी 900 रुपया हो गया है, उसमें भी स्टॉक जिसके पास है वो नील बतला रहा है। अब जनता कहाँ जाएगी, कहाँ से सामान लेगी खाने के लिए? इसलिए हमारा अनुरोध प्रधानमंत्री से ये भी है कि सामान खाने का उपलब्ध भी कराया जाए। लोगों का कहना है कि अचानक से लॉकडाउन होने के कारण खाद्य पदार्थों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की परेशानी हो गई है। पूरे दुनिया सहित भारत में कोरोना महामारी ने अपना कहर बरपाया हुआ है, और प्रधानमंत्री ने कल रात अपील की लोगों से कि परमानेंट लॉकडाउन। लेकिन परमानेंट लॉकडाउन के बाद अचानक से बाज़ार में सामान का दाम बढ़ गया, खास करके आटा तो मिल ही नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो डबल दाम पर। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कम सामान ही लें और पैनिक नहीं फैलाएं, लोगों के बीच डर नहीं फैलाएं, और हम सब घर में रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकलें। इस तरह से हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। हमारे साथ दुकानदार भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जब अचानक से बहुत सारे ग्राहक उनके दुकान पर आ जाते हैं, तो उन्हें किस तरह से परेशानी हो रही है सामानों को देने में। परेशानी ये हो रही है कि जैसे जितना स्टॉक है और जो 2 केजी लेने वाले वो मांगते हैं 10 केजी, जिसे एक बैग चाहिए वो मांगते हैं 3 बैग, मतलब कि स्टॉक चाहते हैं 2 महीना का स्टॉक एक्स्ट्रा करके रखें कि आगे दिन परेशानी ना हो। और ज़्यादा भीड़ हो जाने की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना हम लोग को करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो बिना मास्क लगाए धक्कन धुक्की करते हुए कितना भी समझाते थोड़ा मुश्किल क्रिएट करता है। आप लोग किस तरह का मतलब कैशलेस पैसा ले रहे हैं या किस तरह के लोगों को सामान दे रहे हैं? मतलब कि कैशलेस की भी सुविधा है, ऐसे जिनके पास कैश रहता है कैश में ही देते हैं, जिनके पास नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कैशलेस में देता हूँ। हमारे साथ और भी लोग हैं, कुछ लोग जो है लॉकडाउन होने के कारण जो दैनिक मजदूरी करने वाले हैं वैसे लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। दैनिक मजदूरी करते हैं उनको जीने यापन की काफ़ी कठिनाई हो रही है, उनका क्या कहना है वो भी हम जानते हैं। कठिनाई ये है कि हमारे घर में एक पेशेंट MD आ रहा है और खुद हम हैंडीकैप हैं, जो पैर में स्टील लगा हुआ, ये हमारे पास उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है, और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमारे पास कैश नहीं जो हम खरीद सके सामान। तो सरकार इसका निर्णय क्या ले रहे हैं? कुछ लोगों का कहना है कि कालाबाजारी भी हो रही है, जिसको जो लोग कह रहे हैं उनसे हम जानते हैं किस तरह की कालाबाजारी है, किस तरह की कालाबाजारी है। हम छोटा मोटा दुकानदार हैं, हमको आगे ऊपर कोई मतलब सामान भी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऊपर से सामान आने में बहुत दिक्कत है, हम अभी कोई सामान नहीं भेजेंगे। कालाबाजारी को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने एक बैठक बुलाई है, और बैठक में क्या कुछ कहा वो भी उनसे सुनते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। कल एक उन्होंने बैठक का आयोजन किया शहर के खाद्य व्यापारियों के साथ, और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी हम सुनते हैं। सरकार से खाद्य आपूर्ति विभाग से निर्देश प्राप्त हुआ था कि जो भी व्यवसायी संघ हैं उनके साथ एक बैठक की जाए, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में जिलापूर्ति पदाधिकारी और मैं और सभी प्रकार के जो संघ हैं यहाँ व्यवसायी संघ हैं, जैसे गल्ला संघ के कुछ लोग हैं, अनाज के दुकान वाले संघ के लोग हैं, फल एवं सब्जियों के दुकान वाले संघ के लोग हैं, गैस के आपूर्ति वाले संघ के लोग हैं, और मेडिकल से संबंधित दुकानों के संघ के लोग हैं, सभी लोगों के साथ जो ये लॉकडाउन की स्थिति में किसी भी प्रकार का जो आवश्यक वस्तु है उसकी आपूर्ति में कोई बाधा न हो, लोगों की समस्या न हो, इसी को लेकर के हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में
जो अभी छनके आ रहा है, सभी लोगों ने बताया है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, लोगों को सामान की आपूर्ति की जा रही है और कोई भी सामान यहाँ अपर्याप्त नहीं है, सभी चीज़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आलू आटा में खास करके और प्याज में देखने को नहीं, बिल्कुल अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं जो गला संघ के लोग हैं और उन लोगों ने हम लोग एश्योर किया है और इसी के लिए अभी हम बैठक बुला रहे थे कि जो भी सामान है उस सामान का स्टॉक और दाम दोनों ये लोग अपने दुकानों के सामने प्रदर्शित करेंगे ताकि लोगों को समस्या नहीं। बहरहाल सरकार जो भी इंतजाम करे लेकिन समाज से भी लोग बढ़ चढ़ कर इसमें आए हैं। वहीं बलिया अनुमंडल के रहने वाले लखमिनिया निवासी समाज सेवी मोहम्मद जहांगीर ने भी अपने स्तर से लोगों को राहत सामग्री जो गरीब हैं उनके लिए उन्होंने व्यवस्था की है। क्या कुछ उन्होंने व्यवस्था किया है उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। से पूरा हिंदुस्तान को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया गया है, तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि उन वो जब 200 रुपया 300 रुपया कमाने वाले लोग 300 रुपया 200 लेके आते हैं तो खुद खाते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो मैं बस आप सब से अपील करता हूँ, आप सब दोस्तों से, कि ऐसे लोगों की मदद करें, कोई जात पात नहीं देखें, क्योंकि भूख का कोई मजहब नहीं होता और सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो इंसानियत का होता है। तो आप जाएं ऐसे लोगों को मदद करें। लॉकडाउन का कितना कुछ असर है देखने को मिल रहा है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन लोग घरों में रहने से परहेज नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी वो सड़कों पर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री का आह्वान है कि घरों में रहें, यथासंभव घर से निकले, क्योंकि कोरोना को पर अगर विजय प्राप्त करना है तो हमें अपने घर में ही रहकर उस पर विजय प्राप्त करनी होगी। पंजाब केसरी टीवी आपसे अपील करती है कि घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रहें, तभी आप कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बेगूसराय से पंजाब केसरी टीवी के लिए संतोष।